बातों संग एक घड़ी में जीवन बदल देते हैं। अगर एक घड़ी हम ठीक से सुन लिया पी लिया अगर शब्दों को, इस कथा रस को, इस अमृत को, अमृत कहना थोड़ा सा छोटा है लेकिन यहाँ भी कई बार लिखने वालों ने लिखा है, उसको थोड़ा सा मैं उस पर उंगली उठा रहा हूँ। मेरी आदत है थोड़ी सी टीका टिप्पणी करते रहने का, क्योंकि अमृत देवता भी देने आए थे लेकिन उन्होंने अमृत पिया नहीं, इसलिए ये अमृत नहीं, ये तो क्या है, रस है, रस, वो दिव्य रस, वो रस जो भगवान के प्रेम का रस पान कराता है, जो गोपियों ने रस पान किया, जो अष्ट सखियों ने किया, जो राधा रानी ने किया। अमृत कहना थोड़ा छोटा लगता है, थोड़ा सा कम लगता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लिखने वाले ने थोड़ी सी कमी कर दी अपनी तरफ से। कथा को अमृत नहीं कहना चाहिए, कथा अमृत तो देवता लेने के लिए, क्या अमृत तो देने के लिए आए थे देवता ने, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने दिया नहीं, परीक्षित महाराज ने दिया नहीं, तो कथा अभी आएगी। तो मैं कह रहा था भगवान भ से भागवत, भगवान भ से प्रकाश, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रहता, इसको एक उदाहरण से समझिए। जब रात होती है, रात होने के बाद मध्य रात्रि फिर सुबह होता है, अंधकार रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है 6-7 बजे अंधकार दूर हो जाता है। तो क्या कह रहे, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण कैसे है, सूर्य के समान है। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कृष्ण तो करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों सूर्य से भी तेजोमय है, लेकिन चूंकि संसार में सूर्य से चमकदार और कोई चीज नहीं, इसलिए सूर्य की उपमा दी जाती है। कभी कभी कमल के पुष्प की उपमा दी जाती है, क्योंकि कमल का फूल बड़ा सुंदर होता है, तो संसार में उससे सुंदर कुछ और नहीं, इसलिए कमल के फूल का उदाहरण दिया जाता है। कृष्ण परम प्रकाशमय तेजोमय है और माया अंधकार है। तो भगवान कैसे है, परम तेजोमय है, सूर्य हजारों करोड़ों सूर्य उनके शरीर से एक साथ प्रकट होते, इतने तेजोमय है। और माया क्या है, अंधकार। ये माया शब्द जो है ना, दो अक्षर से बना है, माया शब्द दो अक्षर से बना है, माँ और या। माँ का मतलब ये होता है कि जो नहीं है, माँ का मतलब जो नहीं है, और या का मतलब उसी को है समझना, जो नहीं है उसी को है समझना, उसको माया कहते हैं। तो हम लोग माया में कैसे फंसे हैं, शास्त्र क्या कह रहे, भगवान क्या कह रहे हैं, संसार में ये संसार दुखालय अशाश्वतम है, दुखों का आलय है, सच्चा नहीं, नष्ट हो जाएंगे, दुख मिलेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। लेकिन हम लोग कैसे हैं, उसी को समझते हैं, किसी में सुख है, ये जो कहा जा रहा है वो ठीक नहीं है। हम समझते हैं ये जो संसार है ये सुखालय है, ये आनंदालय है, और इसी में हमें खूब मेहनत करके खूब सारे सामान को अर्जित करना है और उसका आनंद लेना है। तो एक बुद्धिमान आदमी ने क्या कहा, जो भागवत का परम ज्ञाता था, ज्ञानी था, प्रकाश में रहता था, भगवान के ज्ञान के प्रकाश में, उसने कहा कि अगर बहुत दूर जाना है, कहाँ जाना है, बहुत दूर जाना है, नरक कहाँ है मालूम है, नरक कहाँ है किसको मालूम है, नरक कहाँ पे है, आप सभी लोगों ने नरक सुना है, नरक नरक सुना है ना, स्वर्ग और नरक किसने नहीं सुना है, लेकिन कहाँ पे है मालूम है, नीचे में कहाँ पे, हाँ कहाँ पे, उसमें 7 लोग हैं नीचे, पृथ्वी से 1000 गुना कम से कम बड़ा है, 1000 गुना। भागवतम जो जीव पढ़ेगा सुनेगा
परम कल्याण में रह कल्याण होगा, उसका आनंद में रहेगा। भले मैं इस धाम से जा रहा हूँ, अपना ये स्वरूप वांग्मय रूप शब्द रूप में यहाँ दे के जा रहा हूँ जीव के, कलयुग के जीव के कल्याण के लिए, लेकिन जिनके घर में रहेगा, जो पढ़ेंगे, जो उसको पिएंगे, उनका ही कल्याण होगा। तो इसलिए नरक हजार गुना ज्यादा बड़ा बनाया कि नरक में ही जाने वाले और कहीं जाएंगे नहीं। देखिए कितना अंतर है, हम लोग जो कुछ भी बनाते भगवान को भोग निवेदन करते और वहां तो कड़ाई में से साफ हो जाता है। ये विचार है, ये विवेक है। तो कहते कृष्ण है सूर्य, सब माया है अंधकार। ये जो माया में जीव है, जो नहीं है उसको ही है समझना। ये सुखालय नहीं, ये आनंदालय नहीं, ये शाश्वत लोक नहीं है, लेकिन हम लोग इसको ही सजा रहे हैं। जो छोड़ के जाना है उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये शरीर छूट जाएगा, दिन भर सजाते रहते माला ही नहीं होता है। कभी चल देगा वो भी मालूम नहीं है, माला छोड़ के उसके पीछे लगे रहते। संसार छूट जाएगा उसके पीछे लगे रहते, सब छूटने वाले हैं उसके पीछे लगे रहते। तो इस प्रकार से ये मृत्यु लोक है और नरक जो पाताल और रसातल के बीच में है, हजारों हजार गुना पृथ्वी से बड़ा है। क्योंकि भगवान को पता है, भगवान तो कैसे है, भगवान उनको सब कुछ पता है, भूत वर्तमान और भविष्य पता है कि क्या होने वाला है। इसलिए भगवान ने उसको बड़ा बनाया। जैसे सरकार को सब पता रहता है, जब शहर बनाते हैं तो एक जेल बना देते, पहले शहर बनाते तो क्या बनाते, साथ में एक जेल बनाते। सरकार को मालूम है कुछ उत्पाती आतंकवादी मवाली लोग रहेंगे रहेंगे समाज में, देश में, दुनिया में, तो पहले से जेल की व्यवस्था रहती है, पुलिस की व्यवस्था रहती है। उसी प्रकार से भगवान सब व्यवस्था पहले से करके रखते हैं, जेल का भी, और उनका पुलिस कौन है, यमराज महाराज और उनके दूत। यमराज महाराज और जो कोई भी माया भक्त रहेगा, भगवान नहीं भजेगा, अंधकारमय जीवन रहेगा, कृष्ण से दूर रहेगा, जगन्नाथ जी की सेवा नहीं करेगा, उसको यमराज का दूत यम पास में बांध के घसीटते हुए कहाँ ले जाएंगे। वो बुद्धिमान जी क्या कह रहा था, भागवत जिन्होंने पूरा पी लिया है, बहुत दूर जाना है तो कितना सामान लेके जाना चाहिए। समझिए यहाँ से अमेरिका जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, भगवान के पास, कृष्ण के पास, जगन्नाथ के पास जाना है। तो भाई यहाँ तो ऐसे कर्म किए ने कि वहां जाएंगे तो ऐसे गाएंगे कि सजन रे झूठ खूब बोलो, नरक में जाना है, यमराज के पास जाना है, बोल रहे ना लोग। तो बहुत दूर जाना है तो सामान पास में कितना हो जाएंगे, हाथी भी नहीं, घोड़ा भी नहीं, यमराज के दूत घसीटते हुए ले जाते हैं। कहते रस्सी में बांधते हैं, यम पास में घसीटते हुए ले जाते हैं। और जो रास्ता है वो कैसा है मालूम है, रास्ता तपता हुआ रेगिस्तान जैसा रास्ता है, तपता हुआ रेगिस्तान, एकदम गर्म बालू, जैसे नीचे आग लगी और कड़ाही में बालू लाल करते, ऐसे रास्ते पे यमराज जो एकदम महापापी माया में डूबे हुए लोग हैं, कभी भगवान का भजन नहीं किया, झूठ बोला, पाप किया, छल किया, अनेक प्रकार के बेविचार किया, मांसाहार किया, नशा किया, यमराज घसीटते ले जाते हैं। जीव चिल्लाता है, तड़पता है, रोता है, बचाओ बचाओ बचाओ, हाय हाय, अब नहीं करूँगा, और मारते हैं, अभी नहीं करूँगा, पहले क्यों किया नहीं, इतना कथा सुना।
इतना बार कथा में गया, इतना बार सत्संग में गया, आदतें छोड़ा क्यों नहीं, सिर्फ कथा ही बदलते रहा पैंट और शर्ट की तरह, सिर्फ गुरु और मंदिर बदलता रहा, गुरु भी बदल लेते मंदिर भी बदल लेते लोग, लेकिन बुरी आदतें नहीं छोड़ी, उसको वहां ले जाते घसीटते घसीटते नरक में। तो बहुत दूर जाना है तो कितना सामान ले जाना है, या चलो नरक में कोई भक्त है परम भगवान का भक्त है, अभी वो भगवत धाम जाना है, वैकुंठ गोलोक में जाना है, तो वहां कितना सामान लेके जाना चाहिए गोलोक में। जो स्वयं भगवान का धाम परम दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है, कल्पना करने मात्र से सारी चीजें प्रकट हो जाती है, प्राप्त हो जाते हैं, हमेशा आनंद में रहता है जीव, तो वहां कितना सामान लेके जाएंगे हम, कुछ ले जाने की ताकत नहीं है, इतने दूर है, कुछ व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जब कुछ नहीं ले जा सकते तो क्यों इतना जमा कर रहे हैं, हर आदमी के 10-10 अकाउंट है, हर आदमी के 2-2 5-5 अकाउंट है अलग अलग। हमारे प्रधानमंत्री जी सबको भगवत गीता देते हैं, चाहे कोई जापान से आए चाहे अमेरिका से आए, उनको भगवत गीता भेंट करते हैं और कहते हैं सबसे सबसे बहुमूल्य वस्तु है। तो हम लोग को भी सबको गीता भेंट करनी चाहिए। और साथ कुछ नहीं जाएगा इसलिए बैंकों में और अनेक अनेक प्रकार के जो सजावट कर रहे इस संसार में, घर खरीद रहे, बंगले खरीद रहे, जमीन खरीद रहे, गाड़ियां खरीद रहे, अनेक शहरों में ऑफिस दुकानें, अनेक प्रकार का साम्राज्य जो स्थापित कर रहे हैं, एक उसका कण जाने वाला नहीं, जीव के साथ सिर्फ उसका किया हुआ भजन जाता है, क्या जाता है, हरि नाम जाता है, भगवान का सेवा जाता है और कुछ जाता नहीं, बाकी सब यमराज के दूत लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे, यमराज के दूत। इस शरीर को तो जला दिया जाता है, वहां एक यातना शरीर मिलती है, बहुत दुख देते हैं, बहुत भयंकर यातना प्रताड़ित करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, भाई कृष्ण के प्रकाश में रहिए, इस भागवत के प्रकाश में रहिए, इस माया, और ये तो जो मुंबई है माया नगरी के नाम से जानी जाती है, क्या है, माया नगरी है, तो इस माया के चुंगल से अपने आप को बचाइए और भगवान के नाम का कीर्तन करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये इतना कीर्तन पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है, इतना दिव्य और आनंद देने वाली है। तो इस प्रकार से ही भगवान जीवों पे अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आप में से भी जिनको भगवत नाम का जप करना है, सेवा करना है, भजन करना है, बिना शर्म किए, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं, शर्म तो आनी चाहिए झूठ बोलने में, बीड़ी पीने में, मांस खाने में, व्यभिचार करने में, भगवान भजन करने में, तो तुरंत निर्णय करना चाहिए और धारण कर लेना चाहिए जीवन में। तो इस प्रकार से अंधकार से निकलिए, कहां से निकलिए, अंधकार से प्रकाश में आइए, भगवान के चरण में आप अपना मन को अर्पित करके गोपियों की तरह, ग्वालों की तरह, ब्रजवासियों की तरह, ब्रजजन की तरह, वैष्णवों की तरह, परम भक्तों की तरह वैष्णव बन जाइए, भगवान के हो जाइए, ये जीवन का श्रेष्ठता है। अंधकार को त्यागिए, ये संसार अंधकार है, माया है, कुछ हाथ नहीं आएगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्या आएगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो इस प्रकार से भा मीन्स भगवान और प्रकाश, ग से होता है ज्ञान, क्या होता है, ग से ज्ञान, असली में वास्तविक में प्रामाणिक दिव्य ज्ञान क्या है, भागवत गीता पढ़ना, भागवत गीता को
कंठ का आभूषण बनाना, उसी का चिंतन मनन करना, भागवत जी की कथाओं में रमन करते रहना, डूबे रहना, नित्यम भागवत सेविया, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरिये नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेविया। क्या है ये भागवत जी का नित्य सेवा करिए, सेवा में उनको पढ़िए, सुनिए, समझिए, उनके श्लोकों को उच्चारण करिए, उसके अनुवाद को पढ़िए, तात्पर्य को पढ़िए, जीवन सफल होगा। इनको ही ज्ञानी कहा गया, सिर्फ इतना करने के लिए जो जीव प्रयासरत रहते हैं, पारंगत होते हैं, उनको ज्ञानी पंडित विद्वान कहा गया। ज्ञानी लोग क्या है, माया को त्याग देते हैं। ये लोग वृंदावन से आए हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। इनका जन्म वृंदावन में नहीं हो गया, इनका जन्म हुआ दूसरे राज्य में, पश्चिम बंगाल। लेकिन इन्होंने भागवत सुना, कथा सुना और क्या किया, अपने घर को, अपने राज्य को, अपने सारे चीजों को, आडंबर को छोड़ दिया वहां पे और आ गए वृंदावन धाम। किस लिए? भगवान का भजन करने, वहां जो रस बह रहे उसको पीने के लिए। निरंतर वृंदावन धाम कैसा है, वो रसमय धाम है, हर जगह रस बहती रहती है, भगवान के गुण नाम रूप और लीलाओं का रस बहता है वहां। पीते 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 जीव बेशुद्ध हो जाता है, मूर्छा लग जाती है आनंद के कारण, अष्ट विकार होता है। और इस संसार में नाक में सूंघ सूंघ के मूर्छा हो रहे कितने लोगों, वो देखिए साड़ी कैसे रखी, उनको देखिए थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगी माथे की। ये संसार का रस है, नीचे खाने वाले को तो देखो कितना खा रहे रस से। ऐसे ताजा ताजा उदाहरण, ये प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूं, अगर नहीं सीखेंगे जीवन चला जाएगा व्यर्थ। क्या होगा जीवन? व्यर्थ चला जाएगा। तो सारे शिक्षा को छोड़ के क्या करना चाहिए, भागवत जी का नित्यम सेवा करना चाहिए, नित्यम पाठ करना चाहिए। घर में श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, भक्तमाल और अनेक प्रामाणिक ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि रखना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनको वैष्णव बनने का शिक्षा और ज्ञान देना चाहिए। ये वास्तविक ज्ञान, आनंद का ज्ञान, कष्ट से छूटने का ज्ञान, नरक से बचने का ज्ञान, वैकुंठ जाने का ज्ञान है। ऐसी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, बचपन से उनको धोती कुर्ता माथे पे तिलक लगाना चाहिए। स्कूल भेजिए पढ़ने के लिए, संसार में जीना है, पढ़ाइए लेकिन वैष्णव बनाइए। ध्रुव महाराज 5 साल से भगवान का भजन करते थे, प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में भगवान का भजन सीख लिया था। ये भागवतम की ज्ञान है, ये भागवतम हमारा जीवन ऊंचा और प्रकाशमय बनाता है, कृष्णमय बनाता है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, बहुत सारी माताएं बैठी है, अपने बच्चों को परम ज्ञानी पंडित बनाइए, वैष्णव बनाइए, जीवन आनंदित हो जाएगा। आपको माँ कहेंगे, संभालेंगे बुढ़ापे में, नहीं तो घर से निकाल देंगे, विधवा आश्रम में रख देंगे और खुद संसार में निकल जाएंगे भोग करने के लिए। तो बच्चों को भक्त बनाइए, धोती कुर्ता पहनाइए। तो इस प्रकार से ज्ञानी कौन है, जो शास्त्रों को पढ़ता है, प्रामाणिक शास्त्रों को। तो इस प्रकार से अपने बच्चों को परम भक्त बनाइए, ध्रुव और प्रहलाद महाराज की कथा उनको सुनाइए, उनके जैसा बनाइए। उनके लिए यहाँ पे धोती कुर्ता भी उपलब्ध है, ले सकते हैं आप लोग बच्चों के। तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान लेना है,
भागवत और गीता की। कल मैंने बार बार कहा डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इंजीनियर लोग क्या करते हैं, रिपीट करना अच्छा भी नहीं लगता बार बार, है। तो इस प्रकार से ज्ञानी वही है जो भगवान का भजन करते हैं, जो वैष्णव धर्म को अपनाए। नहीं तो लोग परम स्वार्थी हैं। वैष्णव लोग कैसे हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आए रे। वैष्णव जन कैसे होते हैं? जो पर दुख में दुखी होते हैं और उनका मदद करके, उनका हेल्प करके भी उनके मन में अभिमान नहीं आता। वो समझते हैं भगवान का कोई एक और अंश, मेरा भाई, उसकी मैंने कुछ सहायता कर सकी भगवत कृपा से। बाकी लोग कैसे हैं? सबको दुखी करते रहते हैं। संसार में लोग सबको अपना नहीं मानते, अलग अलग समाज बट गए हैं स्वार्थी लोगों के कारण, भागवत नहीं होने के कारण सब लोग अपने अपने समाज में बट गए। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को हरि नाम दिया, यहाँ बिना भेदभाव के सबके लिए बुलाया गया। ये नहीं लिखा गया कि भाई ये यूपी वालों का और बिहार वालों का भागवत कथा, बिहारी संघ, उत्तर भारतीय संघ नहीं। ये कथा रस भगवान के ने सबके लिए दिया है, लेकिन स्वार्थी जीव संसार में टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं और सबके साथ स्वार्थ का रिश्ता रखते हैं। क्या रखते हैं? ये माया है, ये अंधकार है, ये ज्ञान नहीं है। तो आपको कोई पूछेगा तो ये वाला मत बताइएगा जो अभी तक बता रहे हैं। आप बोलेगा हम गोपाल जी के हैं। क्या बोलेगा? हम गोपाल जी के, जगन्नाथ जी के हैं और जगन्नाथ जी हमारे हैं। हम तो वैकुंठ गोलोक के हैं। हमें पूछता है कोई आप कहाँ के हो भाई, तो मैं कहता हूँ मैं गोलोक से आया हूँ। कहाँ से आया? वो मेरा मुंह देखता है कहाँ है ये गोलोक, क्योंकि उनको तो सब मालूम नहीं। अरे जिसका बाप गोलोक में रहता है, भगवान हम सबके परम पिता परमेश्वर है कि नहीं, असली माता पिता है कि नहीं, हम सब उनका ही तो अंश है। तो अगर पिताजी गोलोक में रहेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? लेकिन हम कहाँ बताते हैं? जो हमें स्कूल में शिक्षा दी गई, घर में दी गई, हम सबको स्वार्थी बना दिया हमारे लोगों ने, बांट बांट के लोगों को लगा लगा के हम लोगों को एकदम माया में ढकेल के बुद्धू बना दिया है लोगों ने। और सबसे ज्यादा तो उसमें हम लोग का योगदान है कि हम सब भागवत नहीं पढ़ते सीखने के लिए। तो ये सब चीजों से ऊपर उठिए, माया अंधकार है, अंधकार में मत रहिए, परम ज्ञान के प्रकाश में रहिए। हम सब वैकुंठ के जीव हैं, हमें वैकुंठ जाना है। कहाँ जाना है? वैकुंठ पति की सेवा करना है, उनका नाम जपना है, ये परम ज्ञान है। तो ज्ञान बच्चों को दीजिए शिक्षा के साथ साथ, नहीं तो आपके बच्चे पापी बन जाएंगे, नरकगामी बन जाएंगे और आपको भी दुख देंगे, वो छोड़ देंगे आपको। उसके बाद है त, भागवत त है ना, त से होता है त्याग। क्या होता है? त्याग। जो चार कुमार हैं, चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में है, भगवान के अवतार लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं। वो चार कुमार ने सब कुछ त्याग दिया है, इतने से बालक जैसे कपड़े भी नहीं पहनते, अनेक अनेक त्यागी पुरुष हुए संसार में, जो सब कुछ संसार में त्याग करके सिर्फ भगवान का भजन करते। क्या करते? भगवान का भजन। तो त्यागी बनिए, परम त्यागी। और इस प्रकार से ये चारों गुण आएंगे तब जाके भागवत आपको आनंद देगी, रसमय लगेगी और भगवत धाम की प्राप्ति कराएगी। ये चारों में से एक भी हिल गया तब तक संसार में रहेंगे। क्या रहेंगे? संसार में।
तो मैं फिर वहां से आता हूं भूमिका के बाद और इस भागवत शब्द के विस्तार और महात्म के बाद कि भगवान सच्चे हैं, शाश्वत हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चित आनंद के मूर्ति हैं। ये बात ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं। ब्रह्म संहिता नाम का जो ग्रंथ है उसमें पहला ही श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरामिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि ये क्या है, सच्चित और आनंद के विग्रह है और सभी कारणों के कारण है। भगवान सभी कारणों के कारण है। जो कुछ भी संसार में हो गया, हुआ, हो रहा है और होगा, सबके कारण भगवान है। तो भगवान के शरण में जाना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा जी जिन्होंने हम सबको बनाया है, हम सबके पिता है, सृष्टि करता है, वो भी कह रहे हैं कि आप ही सभी कारणों के कारण हो, तो आपका शरण ग्रहण करता हूँ, करती हूँ और आपका नाम जप करेंगे आज से, जैसे वो प्रजापति प्रभु ने अपनाया अपने जीवन में। तो इस प्रकार से हम सबको सच्चा बन जाना है, जैसे छोटे से आए थे सच्चा निर्मल पावन कोमल, ऐसे बन जाना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। बड़ा सरल है। तो आगे बढ़ते सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। क्या कह रहे, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान को यहाँ एक शिक्षा है कि भगवान को नमस्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए।